हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल रुपेश कुमावत एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज आप सभी कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग गाइज। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और आज मैं जाने वाला हूँ लैब पर। बिल्कुल गाइज, सरसों की लैब पर जाने वाला हूँ जहाँ पे मैं पहले जॉब करता था। गाइज पता है क्यों मैं आज जा रहा हूँ? इसलिए क्योंकि एक जो मेरा फ्रेंड है ना वो आएगा नहीं और बहुत ज्यादा जरूरत है बंदे की, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ इमरजेंसी में। ठीक है, तो वहाँ चलेंगे और मैं आपको अब ये भी दिखाऊंगा कि मैं जब जॉब करता था तो हम क्या क्या एक्टिविटी करते थे वहाँ पे, कितना एंटरटेनमेंट करते थे और मतलब कैसे हम लैब निकालते थे। ठीक है, मैं आपको सब बताने वाला हूँ। तो सुबह 8:30 हो चुके हैं, फटाफट चलते हैं लैब पर। सो लेट्स गो। तो अभी गाइज मैं ना अनाज मंडी में आ गया था और यहाँ पर भी अब प्याज मंडी लगी हुई है क्योंकि सीजन प्याज का आ चुका है। हल्की हल्की ठंड होने लगी ना, कोई बात नहीं, लेकिन अपन चलते हैं लैब पर क्योंकि टाइम हो चुका है, इसलिए लैब पर जाना जरूरी है। अभी प्याज मंडी लगी हुई है इस पूरे एरिया में, इधर उधर चारों तरफ बहुत ज़्यादा प्याज यहाँ बिक रही है। ये देखो कितनी बोरियाँ के बोरियाँ भर भर के प्याज आ रही है। सब ने अपनी अपनी दुकान से लगा रखी है, शॉप से लगा रखी है। और गाइस पता है क्या, मैं ना बहुत दिनों बाद लैब पे जा रहा हूँ तो ना मेरे पुराने दिन ताज़ा हो गए हैं। और अब देखना मुझसे मिलकर ना जो मेरे फ्रेंड्स आएंगे वो बहुत खुश हो जाएंगे। बाकी जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो है संजय भाई, लैब पे जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था ना, तो वो मुझसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होगा, देखना। क्योंकि आज प्रिंस था नहीं, मैं जा रहा हूँ इस वजह से। बाकी कुछ अपने पुराने मित्र मिलने वाले हैं, बहुत लोग मिलने वाले हैं जो जानते हैं, तो मैं आपको उन सबसे मिलवाने वाला हूँ आज। ठीक है, वैसे ना अनाज मंडी में काफ़ी दिनों बाद आया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है आके। सुबह के सिर्फ 9 ही बज रहे हैं तो अनाज मंडी में अभी माल आया नहीं है, नहीं तो यहाँ पे ट्रैफिक ऐसे होगा बहुत ज़्यादा। और अभी गाइज मैं जब जॉब करता था ना तो ना मैं इधर से डेली जाता था अनाज मंडी के यहाँ से, तो इधर मैं देखता था कि बजरंगबली का मंदिर रास्ते में ही था, तो मैं वहाँ पे हाथ जोड़ता था। तो अपन बजरंगबली के मंदिर यहीं आ गए हैं, तो इधर दर्शन करते हैं फिर अपन चलते हैं लैब पे। सामने लैब है। हालांकि गाइज वैसे तो मैं ना चाय पीता नहीं हूँ, बट अब जाके चाय ज़रूर पियेंगे क्योंकि वो चाय ना पुराने दिनों की याद दिला देगी, वो हमारे जो पास्ट लाइफ है हमारी उसकी याद दिला देगी, क्योंकि जब हम साथ बैठ के चाय पीते थे हम फ्रेंड्स, तो इसलिए। और ठंड भी हो रही है इसलिए चाय तो पीना ज़रूरी है। चाय पीते हैं, चल के अब मिलेंगे सबसे। और ये है अनाज मंडी बायपास, वो रही अपने सामने आरएलडी लैब। गाइज उनको ना पता नहीं है कि मैं आने वाला हूँ क्योंकि आज प्रिंस तो आया नहीं है, आज मैं आने वाला हूँ, तो चल के चुपचाप उनको सरप्राइज देते हैं। चलो, तो गाइज ये है हमारा संजय ब्रो, क्या हाल है भाई? तो अभी गाइज मैं लैब पे पहुंच चुका हूँ और सुबह के हो गए 9:15 और वो है अपना भाई संजय। तो गाइज यहाँ बैठूंगा मैं अब। तो अभी गाइज बहुत दिनों बाद मैं लैब पे आया हूँ और इस सीट पे बैठा हूँ, क्योंकि गाइज मैं जब भी इधर जॉब करता था ना तो इधर ही बैठता था, हमेशा कैश संभालता था, और आज भी मैं यहाँ पे कैश संभालूंगा। और बहुत दिनों बाद आके मतलब अच्छा लग रहा है, वैसे तो अच्छी फीलिंग आ रही क्योंकि बहुत बंदे मिलने वाले हैं, सब देखेंगे खुश जाएंगे, कहेंगे यार रुपेश तू आ गया, तू आ गया। चलो मिलेंगे उनसे आज। और अभी जो दूसरा संजय है जो अपना भाई है वो अभी आया नहीं है, वो थोड़ा लेट आएगा, फिर मैं आपको उससे मिलाऊंगा, देखना। तो अभी गाइस हम पियेंगे चाय। तो अभी गाइस संजय भी आ चुका है और हिमांशु भी आ चुका है, हिमांशु ओनर है यहाँ का, तो हम तो उससे फ्रेंकली बात करते हैं। और ये संजय जो कि अपनी चाय और नमकीन में मस्त है ये बंदा। ठीक है, तो अब मैं भी पी लेता हूँ चाय और नमकीन खा लेते हैं थोड़ा ताकि ब्रेकफास्ट हो जाए, फिर मैं आपको मिलवाता हूँ हिमांशु और संजय से भी। तो अभी गाइस ये है मेरा संजय भाई जिससे मैं बहुत दिनों बाद मिला हूँ और ये मिलकर बहुत खुश हो गया मुझसे, क्या रहता धन्यवाद धन्यवाद हिमांशु। तो गाइस पता है मैं आपको ना ये दिखाने वाला हूँ कि ना हम जब लैब निकालते हैं तो हमारा जो प्रोसेस होता है वो कैसा होता है। ठीक है, हम मतलब स्टार्टिंग से और एंड तक कैसे कटते हैं, सरसों की लैब कैसे निकालते हैं, तो आइए चलो दिखाते हैं। सबसे पहले हम इस कटोरी में लेके आधा किलो सरसों, उसके बाद हम इसके अंदर
मीटर में इन सभी सरसों को अच्छे से भर देंगे और इसके बाद मस्टर्ड एंड फुल, मतलब कि फुल इसको करने के बाद ये वाला स्विच दबा देंगे। अभी ये बिजी लिखाएगा 5 सेकंड के लिए, उसके बाद इसमें जो मॉइस्चर है आप जैसे क्लियर देख रहे हो, अगर 6.5 आता तो यहाँ तक इसमें नमी नहीं है, 6.6 आ जाता तो इसमें 100 ग्राम नमी आ जाती, ठीक है। इसके बाद फिर हम इस पर्ची में इनको लिखेंगे, उसके बाद 30 रुपये कलेक्ट कर लेंगे कस्टमर से, 30 रुपये लेने के बाद उनकी पर्ची कट जाएगी, एक पर्ची उनके हाथ में जाएगी, एक पर्ची हमारे हाथ में जाएगी एंड इस सैंपल को हम प्रोसेस के लिए भेजेंगे यहाँ पे छलनी में, ठीक है। इसके बाद बड़ी छलनी से छाना जाएगा इन्हें एंड इसके बाद इसके छोटी छलनी से छान के ये सरसों एकदम साफ हो जाएगी, उसके बाद अंदर भेज दिया जाएगा और फिर मशीन इसकी जांच करेगी कि इसके अंदर कितना ऑयल है, ठीक है गाइस। तो आपको प्लीज़ लाइक ज़रूर करना वीडियो को, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो अभी गाइस अभी हम बैठे हैं फ्री, क्योंकि लैब आई नहीं रही अभी, दोपहर के बज गए 12, तो मैं सोच रहा हूँ कि ना मैं खाना खा के आ जाता हूँ घर पे जाके इतने, क्योंकि फिर बाद में अगर भीड़ आ गई तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि दो बंदे मिलके संभाल पाते हैं यहाँ की जो लैब आएगी और अंदर एक तीसरा बंदा, मतलब 3 मंजिल से लैब चलती है, अगर एक बंदा भी कम हुआ और भीड़ हो गई तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो थोड़े बाद अपन चलेंगे घर खाना खाने। तो गाइस अभी शाम के बज रहे हैं 4 और काम बिल्कुल भी नहीं है अभी, और ये देखो कितना फ्री बैठा आराम से, गाने चला लिए गाइस ने, क्योंकि मनोरंजन कर रहा है ना हमारा, इसलिए क्योंकि खाली बैठे क्या करेंगे, सॉन्ग सुनेंगे ही ना, इसलिए फिर भी गाओ गाइस। मेरा आज का दिन है जो बढ़िया गया, अच्छे से गया, बहुत लोगों से मिला, बहुत लोग कह रहे यार बहुत दिनों बाद मिला है, मैंने कहा यार ऐसी है भाई। और जो हमारा भाई है संजय, वो तो सो रहा है अंदर जाके अभी तक, क्योंकि काम है नहीं, सोएगा ही क्या करेगा, ठीक है। बाकी अभी शाम को चाय पीने जाएंगे तो मैं आपको होटल में दिखाऊंगा आप कहाँ से चाय पीते हैं। तो अभी गाइस फाइनली शाम के बज चुके हैं 5:45 और अब लैब को दुकान को बढ़ाने का टाइम हो गया है, क्योंकि गाइस अब कस्टमर आते नहीं यार, आज मंडी भी बंद हो गई है, माल आना बंद हो गया है, ठीक है। तो अब जो परचेजर है वो सब अपने घर चले गए हैं, तो अब हम शटर डाउन कर देंगे और अब हम भी जा रहे हैं घर, ठीक है। तो अभी गाइस शाम हो चुकी है, 7 बज गए हैं और अब मैं भी जा रहा हूँ अपने घर। और गाइस पता है क्या है, आज बहुत मज़ा आया, सब लोग मेरे से मिलकर खुश हो गए थे यार, यार बड़े दिनों बाद आया, बड़े दिनों बाद आया। मैंने कहा भाई बस एक दिन के लिए आया हूँ थोड़ा इमरजेंसी में, बाकी मज़ा बहुत आया पुराने लोगों से मिलके, सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आज के दिन गया भी बहुत अच्छा। चलो कोई नहीं, अब अनाज मंडी में थोड़ा एंजॉय करते हैं, ठंडक है, ठंडा मौसम है, अच्छा लग रहा है, मुझे ठंड लग रही नहीं, बिल्कुल भी सर्दी नहीं लग रही। चलो अब बजरंगबली का मंदिर आएगा, वहाँ खाएंगे, उसके बाद फिर चलेंगे वापिस घर। तो अभी गाइस फाइनली मैं आ गया हूँ घर, और गाइस आपने भी देख लिया हमने कितना एंजॉय किया, कितना एंटरटेनमेंट किया था, हालांकि अभी तो क्या सीजन नहीं है इसलिए मैंने वीडियो बना ली, नहीं तो अगर सीजन होता ना तो इतनी भीड़ पड़ती कि मैं फोन को टच भी नहीं कर पाता, क्योंकि काम इतना ज्यादा होता है। बट कोई नहीं गाइस, फिर भी मजे बहुत आए, जो पास्ट लाइफ थी उसको दोबारा एक बार एंजॉय किया हमने, जो कि हम जितना एंजॉय करते थे उसको आज एक बार फिर दोबारा एंजॉय किया, लेकिन मजे बहुत आ गए, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज की ब्लॉग पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।